तो चलिए आज हम विधवा पुनर्विवाह को देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत यह नियम 15 द्वारा पारित हुआ। इस नियम के तहत विधवा के द्वारा पैदा हुए बच्चे को वैध माना गया। यह लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। शिशुवध प्रतिबंध को देखते हैं। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 के बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त किया। नेटिव मैरिज एक्ट। केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट के तहत 1872 में अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थबुक के समय पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यह लैंस डाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहराम जी मलवारी के प्रयासों से पारित किया। शारदा एक्ट। यह 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन गया। यह नियम के तहत 14 लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नरबलि प्रथा। यह नरबलि प्रथा 1844-45 में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैम्बेल ने नियुक्ति की। दास प्रथा प्रतिबंध। इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलनबरो ने 1843 में पांचवें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव यादव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। 1899 में छुआछूत को लेकर तिरुनबे वैली में भयंकर दंगे हुए। इस दंगा से आहत होकर तिलक ने कहा, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। चलिए आज यहीं तक।